नोएडा में कोतवाली बिसरक क्षेत्र के शाहबेरी में बनाए गए अवैध फ्लैटों के मामले में पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 227 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 52 बिल्डर की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 148 बिल्डर जिन्होंने स्टे प्राप्त कर रखा है उनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। पुलिस कप्तान वैभव कृष्ण ने 65 बिल्डरों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। नोएडा से जगदीश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, शाहबेरी में कुछ बिल्डरों के अगेंस्ट, जो रोग बिल्डर्स हैं, उनके अगेंस्ट गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और धारा 14A का को इन्वोक करते हुए आज 76 प्रॉपर्टीज अटैच किए हैं, जिसमें 74 फ्लैट हैं, एक दुकान है, एक प्लॉट है। ये तीन कंपनीज हैं जिनकी की प्रॉपर्टीज अटैच हुई हैं और अटैच करके हमने तहसीलदार दादरी को इसमें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया है। देखिए, गैंगस्टर एक्ट में 14(1) में जिला मजिस्ट्रेट ऐसी प्रॉपर्टीज मूवल इमूवल को अटैच कर सकता है जिसमें वो संभावित है कि उसका स्रोत जो है उन्हीं कृत्यों के द्वारा है जिसमें FIR दर्ज की गई है, और ऐसे में इसको लॉजिकल एंड पे ले जाना, ऐसे सारे केसेस जिसमें गैंगस्टर लगाए जाएंगे उनको लॉजिकल एंड पे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार इसको कर रहा है। यहाँ पहले भी 122 प्रॉपर्टीज अटैच हुई थी, उसी कड़ी में आज 76 प्रॉपर्टीज और अटैच हुई हैं और आगे और भी जिनमें गैंगस्टर लगेगा सभी में करेंगे। में अभी तक करीब 86 FIR दर्ज की गई है, जिनमें से 15 FIR गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत हैं। इनमें करीब 52 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है जो कि ऐसे बिल्डर्स थे जिन्होंने आपराधिक कृत्य किया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक ऐसे अपराधी पे NSA की भी कार्रवाई हुई है, 14 की कार्रवाई आज एक की गई है, जिसमें अनुमानित करीब 25 करोड़ के जो अवैध फ्लैट्स थे वो अटैच किए गए हैं और आगे भी अभी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और NSA की कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितने बिल्डर्स पे गैंगस्टर लगाया गया? 38 करीब बिल्डर हैं जिन पे गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। गिरफ्तारी जो है करीब 20 से ज़्यादा बिल्डर्स की गिरफ्तारी हुई।